बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मेकअप रिमूवर पे, मतलब किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट है जिससे आप मेकअप रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस हैं। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस से मतलब रिमूव करती हूँ, मतलब मेकअप रिमूवर पैड्स होते हैं, वाइप्स होते हैं, मतलब दो ऑप्शन हैं। मैं इन दोनों से कभी इससे कर लेती हूँ, कभी इससे कर लेती हूँ। तो ये जो होते हैं ना, ये मेकअप रिमूवर पैड हैं, ये 80 पैड्स होते हैं और काफ़ी रीज़नेबल हैं। मैंने जैसब से लिए थे, 150 के आते हैं और इस तरह के ना सर्कल टाइप के ना ये होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, मतलब यूं यूं आप हटाएं ना तो एकदम से हट जाता है इनसे मेकअप। इस तरह के सर्कुलर सर्कल शेप में बने हुए होते हैं और काफ़ी इजीली हट जाता है इनसे मेकअप, और पता भी चलता है कि हट रहा है नहीं हट रहा। क्योंकि अगर आपकी बेस, मतलब जब आप वेडिंग्स वगैरह पे जाते हैं तो आपने हैवी बेस लगाई हुई होती है, तो मेकअप करने पे तो हमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। तो मैंने कहा चले आज इस पर भी वीडियो बनाते हैं कि मैं किससे रिमूव करती हूँ। और दूसरा ये है वाइप्स, ये है तो बेबी वाइप्स, लेकिन जब भी आप मेकअप रिमूवर वाइप्स लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। मतलब कुछ जो वाइप्स हैं वो 500 समथिंग 600-700 के भी होते हैं। लेकिन आपने बस ये ज़रूर देखना है जिन वाइप्स के ऊपर ये लिखा हो ना अल्कोहल फ्री वाले वाइप्स हैं ना, वो ज़रूर वो वाले वाइप्स लें आप लोग। और ये कोई स्किन पे जेंटल ही होते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन ये नहीं है कि मैं जस्ट इनके साथ ही अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, मैं क्लिनजिंग करती हूँ, स्क्रबिंग करती हूँ, देन मैं इससे अपना मेकअप रिमूव करती हूँ और बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। देन मैं फिर फेस वॉश करती हूँ और अपना मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। तो ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही जान छुड़ानी है इसको निकालना और इससे रिमूव तो इससे हो जाएगा, लेकिन जो आपके पोर्स में मेकअप रह जाता है ना, जो आपकी स्किन की जो सिर्फ एक लेयर तो नहीं है ना, मेकअप आपकी स्किन के अंदर भी चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि डीपली क्लिनजिंग हो तो ज़रूर से आप क्लिनजर अपने फेस को क्लिनजिंग करके देन आपने इन चीज़ों से मेकअप हटाना है। ये नहीं है कि डायरेक्ट, वैसे तो इससे तो हटेगा भी नहीं क्योंकि ड्राई है, ये वैसे वेट वाइप्स हैं, लेकिन इससे भी पहले आपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी मेकअप रिमूवर आप लोग यूज़ करते हैं, अगर आप लोग कोई अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में मेकअप रिमूवर ढूंढ रहे हैं ऑयली स्किन के लिए या ड्राई स्किन के लिए, मैंने सब पे वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में जो चीज़ें हैं मैंने उन पर वीडियोज़ बनाई हुई, तो ज़रूर से मेरे चैनल को सर्च करें। अगर आपने रुके हैं मेरे चैनल पे, न्यू है, तो थैंक यू सो मच। अब देख लीजिए वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।